बट व्हाट हैपेंस इज अगर आपको मैथ्स पता है तो आप बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं. कम इनसाइड प्लीज. गुड मॉर्निंग. सो मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रांग है, प्रॉब्लम कहाँ होता है पहले हमको प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा. व्हाई आर यू नॉट एबल टू क्लियर नीट एग्जाम इज फर्स्ट फियर ऑफ फिजिक्स, सब में है मोर ऑर लेस. दूसरा ये है कि आप फिजिक्स को टाइम नहीं देते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट होता है सबसे. तीसरा ये है दैट यू डोंट नो ट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू एग्जाम्पल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था, आई विल कम टू दैट लेटर, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि मैथमेटिक्स का रोल कहाँ पे आता है. सी देयर इज अ क्वेश्चन, ये नीट में पूछा गया था. दिस इज टाइम एक्सिस, यू हैव वेलोसिटी एक्सिस ओवर हियर, देन देयर इज अ बॉडी विच इज मूविंग समथिंग लाइक दैट. तो सबसे पहले आई वुड वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड वॉट डज दिस मीन. Velocity is changing with time, right? But acceleration, whether it is, you said it, आपने बोला अभी constant acceleration है. What do you mean by constant acceleration? That velocity change हो रहा है, but per unit time, मतलब per second में equal amounts से change हो रहा है. That is what it means. Okay? Then, what does this mean? Velocity is constant. Yes. मतलब क्या हो रहा है कि बिटवीन दिस पॉइंट इन टाइम टू लेट अस से दिस पॉइंट इन टाइम वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. ओके, देन व्हाट डज दिस मीन. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग मतलब इज डी एक्सेलरेशन, बट कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन बोलते हैं इसको. ओके, विल कम टू दैट. आज हमारा टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन है, बट जस्ट टू टेल यू कि मैथमेटिक्स का रोल कहाँ पे. समथिंग लाइक दिस, मान लेना स्ट्रेट लाइन है मोर ऑर लेस. ओके, देन व्हाट डज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम गिव्स यू. वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या देता है आपको. मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैग वैग रख दो साइड आराम से. एक्सेलरेशन तो स्लोप ऑफ द लाइन है, मतलब इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालता हूं या इसका स्लोप निकालता हूं तो आई गेट एक्सेलरेशन. बट व्हाट एल्स डू यू गेट. डू यू नो सम क्वांटिटी व्हिच इज फीड इन टू टाइम. डिस्टेंस. गुड. तो वेलोसिटी, यस. सो स्पीड इन टू टाइम मतलब दिस कर्व, एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू डिस्टेंस, राइट. गुड. ओके, तो मैथमेटिक्स का यूज कहाँ पे आता है. उन्होंने आपको क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट टू सेकेंड्स. फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट टू सेकेंड टू दैट ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. सपोज मैं इस एरिया को बोलता हूँ ए वन, और टोटल एरिया जो है ये टोटल एरिया इसको हम लोग बोलते हैं ए टू या फिर कैपिटल ए. क्वेश्चन ये था दैट व्हाट इज दिस फ्रैक्शन. कैसे सॉल्व करोगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट विल गिव यू टोटल एरिया, करेक्ट. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वन कैलकुलेट करोगे, राइट. रेशियो लोगे, करेक्ट. अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पता है तो, बट रिमेम्बर ये इक्विडिस्टेंस पॉइंट है 0, 2, 4, 6, इस पर ध्यान होना चाहिए. देन दिस इज अ स्क्वायर, राइट. हाउ डू यू मेक ट्रेपेजियम. बेसिकली पहले मैं इसके दो इक्वल पार्ट्स करता हूं, राइट. मतलब ईच पार्ट इज हाफ, करेक्ट. ओके, अब मैं इस पार्ट के
दो पार्ट्स और कर देता हूं। दिस पार्ट इज 1/4 एंड 1/4। अब मैं इस पार्ट को यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, आगे आंसर 1/4, क्योंकि आपको एग्जैक्टली आपको ये पूछा था, राइट? सो हमने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन नाउ। तो दिस कोर्स इज सपोज टू बी राइट फ्रॉम बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स होगा तो ये ऐसे ट्रिक्स पता होंगे। विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व करके 10 स्टेप में आता है, कम से कम 5 तो लगेंगे आपको एरिया अंडर द कर्व निकालो, राइट? बट इफ यू नो, अगर ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स है तो स्ट्रेट अवे दिस इज 1/4, तो फ्रैक्शन 1/4। ऑलराइट, तो द आइडिया बिहाइंड दिस कोर्स एंड द फ्लो विल बी, हम लोग जैसे एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ, स्ट्रेट अवे हम लोग मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर, मतलब मॉड्यूल नंबर 1, इट विल कवर बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, राइट? अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स दैट आई विल प्रोवाइड यू, वी हैव टोटल इन टोटल 6 लेक्चर्स। ये आपका 8 नवंबर तक खत्म होना चाहिए और होगा। वी हैव 2 आवर्स क्लास, मतलब 6 आवर्स अ वीक मिल रहा है हम लोगों को। ओके, सो द आइडिया इज प्रीटी सिंपल। आज का लेक्चर विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स लिटिल बिट ऑफ थ्योरी, मैथमेटिक्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देन इन टुमारोज सेशन वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स। इन ऑल टोटल टारगेट ये है कि हर एक मॉड्यूल के अराउंड 100 क्वेश्चन होने चाहिए। अगर नीट में 100 से ज्यादा हुए हैं तो 100 से ज्यादा जाएंगे, अगर 100 से कम हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे तो आते हैं बट यू डोंट हैव क्वेश्चंस ऑन वेक्टर्स अलॉट, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो जहां पे शॉर्टफॉल होगा, मतलब 100 से कम क्वेश्चंस है, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। प्लस द क्लास इज 6 डेज अ वीक, इट इज नॉट 3 डेज अ वीक। 3 डेज अ वीक मैं वर्क पढ़ाऊंगा एंड 3 डेज अ वीक यू विल बी गिवन असाइनमेंट्स। तो मंडे से लेके सैटरडे तक आपका शेड्यूल होगा 10 to 12 ओनली फॉर फिजिक्स, उसके बाद आप तो जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वील स्टार्ट विथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इट विल बी वेरी क्विक। व्हाट डू यू नो अबाउट डायमेंशंस? डायमेंशंस किसको बोलते हो? 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, ओके, ऑलराइट। तो आइडिया बहुत सिंपल है, व्हाई डू वी नीड दिस पर्टिकुलर थिंग, यूनिट्स हो या डायमेंशंस हो। देखो, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन नेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मास, लेंथ, टाइम। ये 3 क्वांटिटीज हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सर्वाइवल। देन यू हैव टेम्परेचर डिनोटेड बाय केल्विन, देन यू हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिनोटेड बाय कैंडेला, देन यू हैव इलेक्ट्रिक करंट, सम पीपल यूज आई, सम पीपल यूज ए, एम्पियर, सम बुक्स, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। आई हैव अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड मोल एंड व्हाई डू वी नीड, क्योंकि मास इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोल इज ऑल्सो क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्यों लगता है वो दो चीजें अलग अलग? तो व्हेन, यस, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल क्वांटिटीज, अगर मुझे इसका मास मेजर करना है, मैं वेइंग मशीन लूंगा, रख दूंगा फ्यू ग्राम्स, राइट? करेक्ट। अगर मैंने बोला कि नमक सॉल्ट के एग्जैक्टली 3 पार्टिकल का मास निकाल के दो, नॉट पॉसिबल। तो व्हेन यू हैव स्मॉल क्वांटिटीज, तो उस केस में हम लोग मोल यूज करते हैं। एंड यू मस्ट नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस,
व्हाट इज वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस? 10 to the power 23. सो एनी सब्सटेंस हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स जो भी होगा दैट इज कॉल्ड एज वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस. गुड, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटी मास का यूनिट होगा. आई डोंट हैव टू टेल यू दिस, आपको पता है. सो आई जस्ट स्किप दिस पार्ट. देन एनीथिंग एल्स, कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी जो होगा दैट विल गो इनटू डिराइव्ड. डिराइव्ड का सिंपल मतलब ऐसा है कि मुझे उस क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी. आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, displacement upon time. For example, acceleration, velocity upon time. For example, mass, force, mass into acceleration. For example, momentum, mass into velocity, etc. etc. अब मुझे अगर velocity के units निकालने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग distance के dimension मतलब length, right? और time के dimensions मतलब t. अभी ये डिनोमीटर में तो ऊपर जाके ये ऑब्वियसली माइनस वन होगा. तो ये जो पावर है दीज आर कॉल्ड एज डायमेंशंस. यहां पे भी गलती होती है. पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डायमेंशंस. क्यों किया? टू डिराइव यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज. ओवरऑल ये जो इक्वेशन बना है दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला. So overall, this is dimensional formula or dimensional equation. Powers, they are dimensions, right? समझेगा आगे क्यों बता रहा हूँ इतना basics, you will understand. By the way, I don't work with dimensions और आपको भी नहीं करना है. We are going to work with units only. But हमको पता होना चाहिए कि dimensional analysis का use कहाँ पे है. तो आप लोगों ने minimum 3 uses सीखे होंगे. 11th में फर्स्ट चैप्टर था ये. तो पहला यूज क्या था डायमेंशनल एनालिसिस का? डू यू रिमेंबर? फॉर एग्जांपल हमारे पास नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया और जिसने हम लोगों को बोला है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल और ऑप्शन दिए हैं वी इज इक्वल टू u square plus 8t, v is equal to u plus 8t square, v is equal to u plus 8t, and last option is v square equal to u square minus 2gt. Which of the following is correct? कौन सा करे सर? सी वाई. रिलैक्स, यहां पे कंफर्टेबल नहीं हो वहां बैठ सकते हो. दिस इज योर हाउस, बी कंफर्टेबल. क्यों थोड़ा थोड़ा इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा, टीचिंग स्टाइल एकदम से 180 डिग्री का टर्न है यहाँ पे. हमको रूट प्रॉब्लम को एड्रेस करना है. रूट प्रॉब्लम ये है फिजिक्स. व्हाई ऑप्शन नंबर सी? व्हाई नॉट ए बी और डी? डी भी करेक्ट नहीं है बाय द वे. व्हाई? इन फिजिक्स कोई भी इक्वेशन हो उसमें कितने भी टर्म्स हो, 3, 4, 5, 10, हर एक टर्म का यूनिट मतलब डायमेंशंस सेम होना चाहिए. v मतलब वेलोसिटी फाइनल, u मतलब इनिशियल, a मतलब एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम जो है वो सेकंड है, तो कैंसल कैंसल मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब वापस से स्पीड आ गया. करेक्ट करेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में ऐसे आते हैं जिसमें से मिनिमम दो ऑप्शन आप देख के ही उड़ा सकते हैं. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्यों?
क्योंकि अगर फिर हमको रिस्क लेना है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक? हमारे पास चार ऑप्शन है, हमको कुछ पता ही नहीं है, वी आर ब्लैंक. अगर मैंने कोई एक टिक कर दिया, व्हाट इज द चांसेस दैट यू आर करेक्ट? 25, 1/4, राइट. अगर मैंने चार ऑप्शन देख के मुझे ये तो समझ में आ गया ये वेलोसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कैंसल कैंसल, मतलब ये मीटर है ये मीटर पर सेकंड है, नहीं हो सकता, राइट. ऑप्शन नंबर डी का भी वही इशू है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम सेकंड, ये करेक्ट आ गया, मीटर पर सेकंड करेक्ट, राइट, गुड, करेक्ट है ना, ये करेक्ट है ना, डायमेंशनली करेक्ट है ना, डायमेंशनली करेक्ट है ना, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो ऑलरेडी हम लोगों ने दो ऑप्शंस सिर्फ डायमेंशनली ही हटा दी. सो व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग राइट नाउ? 2%. तो आपको ऐसे केसेस में इट इज वर्थ टेकिंग रिस्क, बट एजुकेटेड रिस्क. अब मुझे पता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, अगर एक्सेलरेशन तो माइनस साइन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, करेक्ट. तो दिस वाज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दैट यू हैव लर्नड इन फिजिक्स. जितने भी टर्म्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, जितने भी टर्म्स होंगे दे शुड हैव सेम डायमेंशंस, अदरवाइज ऐसा इक्वेशन वैलिड ही नहीं होता. तो यू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, दिस वाज द फर्स्ट यूज. दूसरा यूज, और दूसरा जो एप्लीकेशन है उसको मैंने खुद ने बहुत ज्यादा यूज किया है. द थिंग इज हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड वी नो नथिंग, पर टाइम है हमारे पास, होता है फिजिक्स में 20 मिनट है हमारे पास, बट वी डोंट नो कि क्या करें. अब फॉर एग्जाम्पल, ये एक फेमस एग्जाम्पल है, हम इसको दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम है तो पेंडुलम तो एक स्ट्रिंग होता है, उसका लेंथ होगा, एक नीचे बॉब होता है उसका मास होगा. इस पेंडुलम को मैंने इस पॉइंट पे लाके डिस्प्लेस कर दिया, मतलब आई जस्ट टुक इट देयर बी पॉइंट पे एंड आई रिलीज्ड इट, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. ये पेंडुलम आपका रियल लाइफ में यहाँ पे भी लगा हुआ था, इट वेंट एनीवेज, इट इज स्टिल देयर एंड इट इज ऑसिलेटिंग बट यू कैन नॉट सी इट, करेक्ट. आपको पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, 2 pi under the L by G. Very good. आपको याद है, excellent. But suppose याद नहीं है. Suppose I tell you, pendulum हटा देता हूँ. Suppose I tell you, you have a spring and you have a mass attached to it. अभी आप इस mass को displace कर रहे हो by x and you're releasing it. What is the time period in this case? Simple harmonic motion. नहीं यार, दैट इज वेयर दिस इज वेरी यूजफुल. क्या होता है अगर हमको याद नहीं, बट मैं दोनों एग्जाम्पल लेता हूं, बट वॉट वी नो इज जस्ट अ मिनट, हम लोगों को कम से कम इतना तो पता है फॉर द केस ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के पास क्या था, लेंथ, पेंडुलम के पास क्या था, मास, और क्या है, जी क्यू होगा, क्योंकि मैंने यहां पे लाके जब रिलीज किया है वो अपने आप तो मोशन में नहीं आ सकता, मोशन के लिए देयर हैज टू बी सम सोर्स, इन दैट इन दिस केस इज ग्रेविटी. ओके, हमको पूछा है टाइम पीरियड और या फिर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं, एंड आई नो नथिंग. हमको ये पता है कि डेफिनेटली जो कुछ भी टाइम पीरियड का इक्वेशन होगा वो एल एम और जी पे डिपेंड करेगा, तो आई विल से सम पावर, फिर मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. एंड रिमेम्बर, यहाँ पे जब आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हो, ये के जो है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इट कैन नॉट हैव डायमेंशन, नहीं तो फिर गए सब रॉन्ग. ओके, तो एल रेस टू ए, एम रेस टू बी, जी रेस टू सी. जब मैं डायमेंशन लेता हूँ तो मैं के डायमेंशन नहीं लूंगा बिकॉज इट इज डायमेंशन लेस. लेंथ के डायमेंशन एल रेस टू वन, मास का डायमेंशन
एम रेस टू वन रेस टू बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल वन टी माइनस टू रेस टू सी, करेक्ट। अब आप इसको इक्वेट कर सकते हो, एल ए एम बी और ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे एल रेस टू सी और एक आने वाला है इसलिए टी रेस टू माइनस टू सी। फिर आप वापस से वही लॉजिक दोगे, आप बोलोगे क्योंकि फिजिक्स है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगे, मतलब टी का पावर यहाँ पे वन विल बी इक्वल टू माइनस टू सी, ए प्लस सी विल बी जीरो एंड बी विल बी जीरो। बी जीरो मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब 10 किलो का मास हो या 1 टन का मास हो सबके लिए टाइम पीरियड सेम होगा, प्रोवाइडेड व्हाट इज द कंडीशन। मेरे पास एक पेंडुलम है उस पर 10 केजी का मास है, दूसरा पेंडुलम है उस पर 1000 किलोग्राम का मास है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे इक्वेशन देखा कि मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? बी की वैल्यू जीरो हो गई। b की वैल्यू जीरो मींस दैट t इज ओनली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, करेक्ट। बट ऐसा नहीं होता ना रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अगर आपके पास एक पेंडुलम है विथ 1 kg, दूसरा है 1000 kg, तो टाइम पीरियड अलग अलग है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया भाई। वाई कॉन्ट्राडिक्टरी? एयर रेजिस्टेंस। तो आइडियल केसेस में यहां पे हमने कहीं बोला ही नहीं कि देयर इज रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इन दैट केस डजंट मैटर कि व्हाट इज मास ऑफ द बॉब, पीरियड इज गोइंग टू बी सेम, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी सेम। दैट मींस अगर आप कोई पेंडुलम यूज करके टाइम मेजर कर रहे हो, दे विल गिव यू इक्वल टाइम, क्योंकि नॉर्मली पेंडुलम का यूज या फिर वाइब्रेशन का यूज टाइम मेजरमेंट के लिए होता है। गुड। तो बाय द वे यू वर करेक्ट, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा वो जो के कांस्टेंट है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2 पाई आती है रूट ऑफ एल बाय जी, तो आपको मिलेगा टाइम पीरियड का इक्वेशन। इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी? ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस होंगे, एल रेस टू हाफ, जी रेस टू हाफ, यहीं पे सॉल्व कर लेना। एल मतलब मीटर, ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका भी रेस टू हाफ, ये कैंसल कैंसल ऊपर गया, सेकेंड बचा, राइट। तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस यूजिंग डायमेंशनलिटीज, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको 45 क्वेश्चन में से कम माय ओवरऑल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन इज 5 से 6 तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। दिस इज वेयर यू डोंट पे अटेंशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है देख के छोड़ दिए। और फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा चीज यही होती है, 8 लाइन का क्वेश्चन होता है, देयर इज नथिंग, डायमेंशनली सॉल्व होते हैं वो क्वेश्चन, वी विल सी दैट। दूसरा आपका स्प्रिंग का केस लिया था मैंने, स्प्रिंग के केस में भी मोर ऑर लेस वही चीज है। डू यू रिमेम्बर स्प्रिंग के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आता है? 2 पाई तो आएगा ही आएगा, अंडर रूट ऑफ एम बाय के या फिर के बाय एम, ये भी डायमेंशनली होता है। हमको पता है फोर्स इन द केस ऑफ स्प्रिंग, मतलब क्या था कि हमने स्प्रिंग पे एक मास था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन? रिजल्टेंट इज जीरो, करेक्ट। तो इसको मैंने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, ओके। बाय द वे अनदर बेसिक क्वेश्चन, ये डिस्प्लेसमेंट मेजर कहां से करते हैं हम लोग? मेजर कहां से करते हैं, मतलब इस पॉइंट से मेजर करूं या फिर यहां से मेजर करूं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करना चाहिए या फिर यहां तक करना चाहिए? हाउ डू आई मेजर सेंटर ऑफ मास? व्हाई सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड देन व्हाई सेंटर ऑफ मास? एग्जैक्टली, बट व्हाई सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज द नीड ऑफ सेंटर ऑफ मास? व्हाई डू वी यूज सेंटर ऑफ मास?
इक्विलिब्रियम, यू आर नियर बट नॉट एग्जैक्टली, पोजिशन चेंज नहीं होती है. डू यू रिमेंबर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन? वॉट वॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन? दिस इज रॉन्ग. यू आर करेक्ट 99.99% पार्टिकल. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सिर्फ पॉइंट मासेस या पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड है. हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी लाइक दिस बॉक्स, लाइक अ बॉल स्फीयर, उस पर अप्लाई कर रहे हैं. फिर अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ इस पर अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन ये आता है, ये तो एक्सटेंडेड बॉडी है राइट, तो फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है? क्योंकि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन किस पॉइंट का है? इसलिए हम लोग बोलते हैं दैट वी नीड टू कंसिडर दैट इज एन इमेजिनरी पॉइंट राइट, वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. क्यों? क्योंकि हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज वाई. एनीवेज, तो ये जो हमने बॉक्स को मास को डिस्प्लेस किया, इस केस में ओनली फोर्स एक्टिंग इज रीस्टोरिंग फोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय रीस्टोरिंग फोर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स? दिस फोर्स tries to bring the body back to its original or equilibrium position. So, हमको already पता था कि force is equal to, is proportional to basically displacement. क्यों? अगर जितना displacement है उतना ही restoring force होना चाहिए. तो क्या होगा, ज्यादा force हो गया तो body जो है वो shift हो जाएगा, means कम force है तो वो अपने mean position तक पहुंचेगा ही नहीं वापस. Good. तो हम लोग बाद में बोलते हैं that it is, this is equal to केस कॉल्ड एज फोर्स कॉन्स्टेंट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट विद अ नेगेटिव साइन. ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन का मतलब क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड. तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट साइंस हियर, करेक्ट? ओके. नाउ अगर आपको ये पता है कि ये जो है फोर्स अपॉन एक्स आता है, इसके डायमेंशन पता होंगे. वॉट आर डायमेंशन ऑफ force? m1 l1 t-2 मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और x इज इन मीटर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर. गुड. तो मास अपॉन के, m अपॉन के, ये क्या आएगा फिर, किलोग्राम अपॉन किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड स्क्वायर ऊपर गया तो उसका भी रूट लेंगे, मतलब सेकेंड बचेगा राइट. तो हमको अगर नहीं भी पता होता या याद नहीं है, जैसे आप में से किसी को भी याद नहीं है, ये तो पता था ना स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट है एंड देयर इज मास, दैट्स इट. एंड यूजिंग दिस यू कैन डिराइव इक्वेशंस बाय योर ओन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनी टाइम्स एंड ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी है याद रखने का. तो रट्टा मारने, बस आई एम सॉरी टू से, रट्टा मारने वाले कभी नीट एग्जाम क्रैक नहीं होने वाले. सो यू हैव टू थिंक वाइजली अबाउट द क्वेश्चन. देन व्हाट वाज़ द थर्ड एप्लीकेशन और व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, तीसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है डायमेंशन एनालिसिस का? एक्यूरेसी नहीं, कंपैरिजन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अभी हम लोग अर्थ पे रहते हैं राइट, यहाँ पे किलोग्राम मीटर सेकंड यूज होता है फंडामेंटल. मैं किसी और प्लैनेट पे गया, उन्होंने बोला अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड, दीज आर फंडामेंटल यूनिट. मतलब हमारे यहाँ पे 1 kg इज फंडामेंटल, 1 meter इज फंडामेंटल, 1 second. वो बोलेंगे नहीं, व्हाई शुड आई, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हेल्दी है, वो बोलेंगे 10 kg इक्वल टू 1 m फॉर अस मास. So you can convert from SI system or any system 1 to system 2. This is the question NEET mein directly aaya hai and we will see that. Okay.
गुड, देन व्हाट एल्स डू वी नीड इन यूनिट्स एंड डायमेंशन? इस चैप्टर में और एक चीज थी दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट वॉज एरर एनालिसिस, एरर्स इन मेजरमेंट. क्योंकि हम लोग ये सब डायमेंशन एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको मेजरमेंट करने हैं. मेजरमेंट करने है, मतलब यूनिट करने वाले हैं. एंड दैट वॉज द होल पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस. तो जब मेजरमेंट करेंगे तो एरर भी आएगा. व्हाट इज एरर? हाउ डू यू डिफाइन एरर? यू कैन टेक इट ऑफ इफ यू वांट. व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज एरर मतलब होता है आपका द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, या तो एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हो, माइनस ऑब्जर्व्ड या फिर मेजर्ड वैल्यू. दिस इज एरर इन एनी मेजरमेंट. गुड. हाउ मच वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर नीट? अलॉट. क्यों? समझेगा आगे, आगे समझेगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई नीड टू टेल यू व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इट. एंड एज ही सेड, the difference between actual value and measured value is error. I have a question. For example, mere paas do points hai, A and B. Maine ek scale liya, maine measure kiya, mujhe mil gaya value A1 equal to let us say 2.11, any value, right? Fir dusra scale liya maine, provided dono ka least count same hai. I will talk about least count also later. मुझे मिल गया 2.12. तीसरा मैंने लिया, मुझे मिल गया 2.13. Which one is exact? क्योंकि लिखा नहीं है उसके ऊपर, दो पॉइंट है. We don't know, दो पॉइंट का डिस्टेंस मतलब कितना. तो स्केल से मेजर करेंगे हम लोग. करेक्ट, राइट. विच वन इज रियल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू? 2.12. वाई? What did you do here? Average. तो जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है तो आप एवरेज लेते हो, उसको बोलते हैं वो मीन वैल्यू. एंड मीन वैल्यू इज ट्रीटेड एज एग्जैक्ट वैल्यू. बाय द वे, मैंने इंटेंशनली नंबर ऐसे लिए हैं 2.11, 2.12, 2.13, बिकॉज यू शुड नो. अगर ऑड नंबर का आप मीन ले रहे हो और अगर हर एक नंबर में, मतलब दो नंबर्स में डिफरेंस सेम है, इक्वल डिफरेंस है, तो मिडल वैल्यू, मतलब पता है ना आपको मीन मीडियन मोड, तो मिडल वैल्यू इज मीन वैल्यू. व्हाट इज द मीन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5? करेक्ट. तो कैलकुलेशंस फास्ट होंगे इफ यू नो दिस. इसको मान लिया मीन वैल्यू, इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज एरर इन द मेजरमेंट. अब एरर कैसे निकालेंगे फिर? एरर क्या था? डेल्टा ए मान लेते हैं. सो डेल्टा नॉर्मली स्टैंड्स फॉर एरर, राइट? और चेंज इन अ वैल्यू. ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू मतलब यहाँ पे मीन, माइनस मेजर्ड वैल्यू. पर मेजर वैल्यू होती है हमारे पास, फिर क्या करेंगे? 1/1. तो इसको बोल देंगे एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A1. Error in the measurement of A2 will be A mean minus A2. Error in the measurement of A3 is going to be A mean minus A3. But wait a minute, errors can never be negative. पर यहाँ तो एक value negative आएगी ना हमारे A3, तो mod. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं absolute error. Absolute मतलब we are just going to take positive values. Clear? राइट, एरर समझ में आ गया. एब्सोल्यूट एरर आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दिस, बट इट इज काइंड ऑफ अ क्विक रिवीजन फॉर यू. अब व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ एरर?
क्योंकि ट्रू वैल्यू रीडिंग का ट्रू वैल्यू तो नहीं था तो हमने मीन ले लिया। अभी एरर के भी 3 दिन वैल्यू आ गई तो व्हाट इज ट्रू वैल्यू ऑफ एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरर का ही मीन ले लेते हैं। तो दैट विल बी डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री होल बाय 3 एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज द रियल वैल्यू ऑफ एरर। इट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन ऑफ एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स बाय द वे। करेक्ट, राइट। देन हैव यू लर्न समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव एरर? व्हाट इज रिलेटिव एरर? Formula. Ratio of what and what? Delta A mean by A mean. Okay. Delta A mean by A mean. This is called as relative error. In A, of course. Okay. बहुत बार आई हैव सीन, नॉट फॉर यू बट आई हैव सीन सम स्टूडेंट उल्टा लिखते हैं, इसलिए याद रखना दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शन लेस देन 1 होना चाहिए। तो एरर छोटा ही होता है और एमिन बड़ा ही होता है हमेशा। दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो एरर कैनॉट बी 1.5, एरर विल बी लाइक 0.1 0.01 समथिंग लाइक दैट। रिलेटिव एरर आ गया। व्हाट इज परसेंटेज एरर? यस, सो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, राइट? ओके, दिस इज नॉट रियली व्हाट वी वांट। हमको एक्चुअली इसके आगे का देखना था, पर ये बेसिक्स पता होना चाहिए। इसके आगे का मतलब क्या? इसके आगे का मतलब नॉर्मली फिजिक्स में व्हाट वी डू इज, यू नो, जैसे मैंने अभी आपको डिराइव्ड क्वांटिटी बताया था, ओके, आई डोंट नो, इट्स ओके, या। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैंने एक मेजरमेंट लिया, मुझे मिल गया ए, सम वैल्यू ए। It can be distance between two points. It can be velocity of one object between two points. It can be acceleration, force हो सकता है, any physical quantity. What is physical quantity? Whichever you can measure is a physical quantity. Okay? Then मेरे पास एक दूसरा physical parameter है of the same type. अगर A velocity है तो B भी velocity है. Example, आप कहीं ना कहीं से आए होंगे, घर से हाफ डिस्टेंस तक आपने वेलोसिटी वी रहा होगा, लाइक इस केस में ए रहा होगा, फिर वहां से यहां तक आने के लिए यू हैव चेंज द स्पीड बी, करेक्ट? ओनली इन दैट केस आई कैन एड दीज टू या फिर सब्ट्रैक्ट। यू कैन नॉट एड और सब्ट्रैक्ट टू फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट ऑफ द सेम टाइप, है ना? कभी देखा क्या डिस्टेंस प्लस वेलोसिटी करते हुए? मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, विल सी दैट लेटर। तो क्वेश्चन इज, मैंने इन दोनों को ऐड किया तो एक नया क्वांटिटी बन गया, लेट अस से जेड, करेक्ट? तो जेड भी सेम टाइप का होगा, बट ए की वैल्यू में एरर था डेल्टा ए, बी की वैल्यू में एरर था डेल्टा बी, लेकिन जेड कैसे बना है? ए प्लस बी, तो एरर प्रोपोगेट हो गया, प्रोपोगेट मतलब स्प्रेडिंग। तो जेड में भी एरर आएगा क्योंकि ए प्लस बी इज जेड, करेक्ट? तो ए में एरर है, बी में एरर है, तो जेड में एरर आएगा ही, राइट? सो दैट इज व्हाट वी समटाइम्स स्टडी अंडर दिस टॉपिक, प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
This is the first thing that you need to know. What will be error in Z is simple. A plus B ho ya A minus B ho, doesn't matter. Error is always plus. दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, डजंट मैटर. ये आगे बहुत काम में आएगा. यू विल नीड दिस पर्टिकुलर थिंग इन ग्रेविटेशन, फ्लूइड डायनामिक्स, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट मैकेनिक्स में मोस्टली लगेगा हमको. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी लगने वाला है ये. देन सेकंड, इफ आई एम डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग, तो इस केस में ए और बी कैन बी टू सेपरेट क्वांटिटीज. इन फैक्ट दे हैव टू बी सेपरेट, अदरवाइज वो डायमेंशनलेस बन जाएगा, राइट. वापस से वही क्वेश्चन, ए में एरर है, बी में एरर है, व्हाट इज द एरर इन जेड? करेक्ट, बट देयर कैन बी फ्रैक्शनल एरर. तो रिलेटिव एरर की बात करते हो आप इस केस में, तो आप बोलते हो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, राइट. इनफैक्ट इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं. आई कैन से जेड कैन बी ए रेस टू एम, बी रेस टू एन, और इट कैन बी ए रेस टू एम एन टू बी रेस टू एन. तो इस केस में आपको डेल्टा जेड by z मिलेगा, m जो इंडेक्स है, into relative error in quantity a plus n into relative error in quantity b. Doesn't matter b raised to n numerator में है या b raised to n denominator में, doesn't matter, formula always remains the same. इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो आप. कैन बी यू कैन हैव दिस z इक्वल टू a रेस टू m, b रेस टू n अपॉन c रेस टू p एंड d रेस टू q. फॉर्मूला विल स्टिल बी सेम, m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b प्लस p डेल्टा c बाय c प्लस q डेल्टा d बाय d. और अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज percentage error, multiply by 100, correct? ये आपका पहला chapter था, units and dimensions, इतना ही लगता है हमको. बाकी significant figures क्या है, that I will take, चलो कर ही लेते हैं. But before significant figures, you should know what is order of magnitude and why it is important. क्योंकि एक दो बार question आया है, कुछ एक फिजिकल पैरामीटर पूछा था और वो था टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 10 टू द पावर सम नंबर. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? इफ आई आस्क यू व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, राइट. If I ask you what is radius of Earth, 6400 kilometer. In meters is how much? चलो इसमें मैं बाद में आता हूँ. What is mass of electron? 9.1 into 10 power. 31 या 27. What is mass of electron? Proton नहीं पूछा मैंने. Which one is heavier by the way? Proton. तो what is mass of proton? 10 to the power. Okay. Good. And if I ask you और कौन सा कांस्टेंट लगता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 6.6 समथिंग इनटू 10 पावर 11 या 12, 11 सम यूनिट्स. तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? नॉर्मली
और भी बहुत सारे कॉन्स्टेंट है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, there are a lot of things. प्रॉब्लम कहाँ पे होता है ना कि वी डोंट रिमेम्बर दिस वैल्यूज एक्चुअली. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज रिमेम्बर पावर्स ऑफ 10, और ये पावर्स ऑफ 10 को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज ही सेड करेक्टली, बट अंडर वन कंडीशन. व्हाट इज दैट कंडीशन? डू यू रिमेम्बर व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ राइटिंग डाउन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? क्या कंडीशन था, क्या कंडीशन था? कोई भी नंबर आप लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ a इनटू 10 रेस टू n, a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन. फॉर एग्जाम्पल अगर 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको 0.91 इंटू 10 पावर समथिंग लिखता हूं. तो पहले आपको a को 0.5 और 5 के बीच में लाना पड़ेगा, उसके बाद जो 10 का पावर बचा दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. यू ऑलवेज हैव टू ब्रिंग बिटवीन 0.5 एंड 5. 5.1 5.01 भी नहीं चलेगा, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन 5. Okay, good. This is one condition. Second condition. दो condition है. एक तो ये order of magnitude लिखने के, दूसरा condition क्या था? नहीं, that is separate topic. Physical parameter must be in SI units always. You cannot write order of magnitude अगर आपने SI सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया था. पहले SI में कन्वर्ट करो, बाद में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करो. ओके, इंपॉर्टेंट है, क्यों समझेगा, विल टेक एग्जांपल्स. देन लास्ट थिंग दैट यू शुड नो इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट एट ऑल. मुझे सिर्फ रूल्स चाहिए यहाँ. फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3. क्या रूल अप्लाई किया? डेसिमल तो पॉइंट लगाया ही नहीं मैंने, इट इज अ होल नंबर. फर्स्ट थिंग इज थोड़ा सा करेक्शन, एनी नॉन जीरो नंबर इज सिग्निफिकेंट, है ना? तो आपने बोला नॉन सिग्निफिकेंट, बट यू वॉन्टेड टू से दैट एनी नॉन जीरो नंबर इज सिग्निफिकेंट, और दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ गया तो दैट इज सिग्निफिकेंट, राइट? तो दो रूल तो यहाँ बन गए. मतलब एक्चुअली रूल दो ही है. पहला रूल कि नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं हमेशा. दूसरा, प्रॉब्लम इज विद जीरो. तो रूल दो ही है. यू कैन सब कैटेगराइज सेकेंड रूल इन टू नंबर ऑफ रूल्स. मतलब पहला रूल तो है ऑल नॉन जीरोज आर इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट. प्रॉब्लम लाइज हियर फॉर जीरोज. तो जीरोज के लिए रूल्स है, उसमें अपने पहला रूल बता दिया. इफ द जीरो इज बिटवीन टू नॉन जीरो इट इज सिग्निफिकेंट. Zero between two non-zeros is significant. Then, पर आपने ये नहीं बताया मुझे, why did not you tell me that this is significant? आपने बोला कि सिर्फ ये zero important है, ये important नहीं है, right? दूसरा rule बन गया, all the leading zeros are not significant. Leading zeros but और एक चीज थी, ये नॉट सिग्निफिकेंट था बट अगर मैंने यहां पॉइंट लगा दिया तो ये इंपॉर्टेंट है. लीडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल,
आर नॉट सिग्निफिकेंट। राइट, देन लीडिंग जीरो विद डेसिमल सिग्निफिकेंट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन। राइट, देन एंडिंग जीरो के बारे में क्या बोलोगे? इफ दे आर placed after decimal, yes, so they are significant. अब ये important क्यों है? ये important इसके लिए है क्योंकि कुछ questions ऐसे आए थे, हमारे पास एक quantity है A 0.212, दूसरा quantity है हमारे पास B 0.12, and if I multiply A and B, I get new quantity C. How many significant digits will this quantity C have? तो जब मल्टीप्लाई करते हो तो लेस नंबर वाला देखते हैं हमेशा। राइट, गुड, सो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देन एंड एज आई टोल्ड यू, आज पहले मैं आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस और मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा, we will do some basics of all this and then we will start solving numericals examples. तो एक दिन बोर होना पड़ेगा आपको, I am sorry for that, but you'll have to do that. Then we'll start with basic mathematics. So two basic mathematics. अभी नाम के लिए basic है but you need a lot here. And that is not really a lot, it is just that how much you have understood. Okay, so basic mathematics mein sabse pehli cheez that we will be doing is vectors. How many of you find it difficult to solve problems of electrostatics, gravitation, electrostatic field, or for example हमारे पास एक पेंटागन है, मान लेना ये, because I'm not drawing up to the mark, वो बाद में करेंगे हम लोग। Okay, so there are five vertices. यहाँ पे चार्ज Q है, 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 यहाँ पे चार्ज Q. What is the force at the center of this? अगर स्क्वायर होता तो जीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं, हाफ करेक्ट, या फिर आप करेक्ट कर लो, सेंटर पे चार्ज नहीं रखा है तो कौन से फोर्स की बात? फोर्स इज बिटवीन टू चार्जेस, हम चार्ज कहां दूसरे सेंटर पे, आई कैन से पोटेंशियल, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट नाउ, हम लोग लेंगे आगे, बट वेक्टर्स नॉर्मली दोज हु डू नीड, ये मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है? अगर आपको वेक्टर्स पता है तो क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व विदाउट डूइंग एनीथिंग, कोई फॉर्मूला पता होना नहीं चाहिए, यू कैन डू इट। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे और एक चार्ज रख दिया, एनी चार्ज, आई कैन कीप सम टेस्ट चार्ज क्यू जीरो, पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट, सारे के सारे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि रिपल्शन में डायरेक्शन क्या ले, या तो आप अवे ले सकते हो या तो आप टूवर्ड्स ले सकते हो। पहले एक डायरेक्शन फिक्स कर लो, अगर एक के लिए अवे लिया है तो सबके लिए अवे लेना पड़ेगा, यू कैन नॉट से एक के लिए अवे है एक के लिए टूवर्ड्स है, करेक्ट, गुड, राइट। जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू दैट, ये चार्ज का फोर्स और ये चार्ज का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसल, ये चार्ज का फोर्स और ये चार्ज का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसल, तो ओनली फोर्स इज this, and can you find out what is the distance of this if you know side of pentagon is L, basic geometry pata hoga to you can do it, ho gaya. Abhi ye agar aap karne gaye 10 se 12 steps kam se kam hai, components nikalenge fir wo force q1 q2 by r square k into something something, so that is why vectors play an important role in any kind of competitive exam. So, we'll start with asking you basic question. And remember, we are studying vectors
in physics and not in mathematics. Thoda difference hai dono mein. So what is a vector quantity in physics? Which has direction as well as magnitude. Can you give me one example of this? Force, displacement. Good. Right. So physical quantity which has direction as well as magnitude. Okay. I have a question for you. Almost आप सब गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी पे भी आए होंगे अभी. उस पे एक मीटर होता है that gives you speed. What is that called? Speedometer. Why not velocity meter? अगर उस स्पीडोमीटर में मैंने एक कंपास डाल दिया, कंपास मतलब डायरेक्शन जो देता है आपको, कैन यू कॉल इट अ वेलोसिटी मीटर? व्हाई नो, इट इज गिविंग यू स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. इट इज नॉट मेजरिंग डिस्टेंस, इट इज जस्ट मेजरिंग व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट इट मेजर्स. राइट. तो यू हैव टू बी केयरफुल जब दोनों क्वांटिटी, दोनों चीजें होगा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, वहां पर थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है आपको. आई विल टेक दैट एग्जाम्पल्स बाय द वे. आई विल गो थ्रू बेसिक, वेरी बेसिक ऑफ वेक्टर्स. ओके, विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर दैट यू नो? टाइप्स ऑफ वेक्टर भी पढ़ा होगा आपने, इंपॉर्टेंट है. पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर. ओके, तो विल स्टार्ट विथ व्हाट इज अ नल वेक्टर और अ जीरो वेक्टर. व्हाट इज नल वेक्टर? मैग्नीट्यूड जीरो बट हैज डायरेक्शन. कैन यू गिव मी अ एग्जांपल ऑफ इट? नहीं, करंट हैज मैग्नीट्यूड, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, सम वैल्यू. आप अभी गाड़ी पे आए, राइट, टर्न लेके अब आपने गाड़ी लगा दी. जब जाओगे, जब भी जाओगे, मतलब वेलोसिटी जब होगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा? राइट, दिस इज द रॉकेट एट रेस्ट. जब भी इग्नाइट करूंगा तो कहां जाएगा? हाँ, तो द रॉकेट एट रेस्ट हैज अ वेलोसिटी वेक्टर विच इज अ नल वेक्टर बिकॉज मैग्नीट्यूड इज जीरो, बट जब भी इग्नाइट होगा ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इट हैज दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो वी विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट इज सिंपल. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. What is a resultant vector? Sum of two vectors. Sum of two vectors. Subtraction of two vectors. This side. Resultant vector. दोनों के बीच में जाएगा. You are talking about parallelogram law. Okay. We'll see that in details. Okay, so I'll just take a real life example. घर से निकलते ही, I'm going to some distance, okay? कुछ दूर चलते ही, but I'll say this point A, doesn't matter what point it is. मैं A से गया B पे, मुझे जाना था C point पे, but क्योंकि रास्ता पता नहीं, तो फिर हम गए, किसी को पूछ लिया, उसने बोला okay, go in this direction और 1 kilometer पे C point है. करेक्ट, राइट. और अगर मुझे एग्जैक्टली पता होता तो क्या मैं ये डायरेक्शन, ये पाथ फॉलो करता? नहीं. तो हम लोग उस केस में क्या करते? उस केस में यस, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर. फिर हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ
any number of vectors is a single vector which gives you combined effect of all vectors together. Start कहाँ से होता है? Starting point of first vector. By the way, vector के starting point को क्या नाम देते हो? Tail. And end point को? Head. So this resultant vector starts from starting point of मतलब tail of first vector and ends at head of second vector. अभी आप बोलोगे इतना basic क्यों ले रहे हो? समझेगा आगे. You will understand because it is required to know basic. Resultant vector is a single vector. Okay, good. Then, have you heard of this particular vector? Oh, by the way, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी चाहिए थी. The resultant vector of two or more vectors, physics में अगर बोल रहे हो तो of the same type. क्योंकि यहाँ पे आप लिखते ही वैसा हो ना, r बार इज इक्वल टू p बार प्लस, हाँ तो ऐड किसको करोगे? जब दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे तब, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेलोसिटी. इफ यू आर इन मैथमेटिक्स जरूरत नहीं है बोलने की, बट इन फिजिक्स ये होता है. राइट, गुड. क्यों बताया? क्योंकि अपोजिट वेक्टर में भी लगेगा. व्हाट इज अपोजिट वेक्टर? ओके, मतलब इसके लिए आपको ऑलरेडी एक वेक्टर होना चाहिए. नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको एंटी पैरेलल भी बोलते हैं. बट एंटी पैरेलल और अपोजिट दे आर नॉट सेम थिंग्स. क्योंकि एंटी पैरेलल तो ऐसा भी हो सकता है, एक वेक्टर बड़ा है दूसरा वेक्टर छोटा है, दे आर नॉट अपोजिट. Okay, they are anti-parallel but not opposite. Good. Then, so I'm not going to talk about parallel, anti-parallel. What is important is this. What is a unit vector? Direction. Direction of upon magnitude was correct. यूनिट वेक्टर मतलब क्या? अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग. व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? अभी चलो ठीक है, यहां से एक पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो सबसे पहले तो आई विल एसोसिएट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. फिर ए पॉइंट पे पहुंचा, फिर ऊपर गया, समथिंग लाइक दिस. ना मैंने बोला ये 20 है, ये भी 25 है. लेट अस से कितना ऑड लगेगा इफ यू से अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन एंड इट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. राइट, आगे बोलेंगे कि इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 एंड देन इट गोज इन द जेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड इट कवर्स 25 मीटर. सो आई कैन से अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बतानी है तो वी विल से आई कैप, जेड एक्सिस इज के कैप एंड वाई एक्सिस इज जे कैप. तो अगर मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है, मुझे सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है, so we make use of a vector which has magnitude 1, just direction. Okay, then someone asked me, a student ne with kuch din pucha mujhe ki why do we use I cap, J cap and K cap, why not something else? Okay, just a minute, I need to pause. Okay, so why don't we use x cap, y cap or j cap? I cap, j cap or k cap hi use karte hain, samjhega aage. We can use x cap, in fact some books do it. Okay, but by the way we'll see ki hum logo ko ye unit vector kaise nikalna hai, we will see. For example, I have
this vector, which is a bar, is a bar ka magnitude can be anything. I can say the magnitude is, let us say, 15. I am not writing on units, क्योंकि ये मीटर वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो आई एम नॉट राइटिंग ऑन यूनिट्स. मुझे ये बोलना है कि दैट आई वांट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, राइट? आई वांट टू गो इन डायरेक्शन ऑफ ए बार बट ओनली वन यूनिट. तो क्या करेंगे हम लोग, ए एन कैप या फिर ए कैप, ओके, जस्ट ए कैप, दैट्स फाइन. तो मुझे ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए. मैं कैप क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज कैप टेल्स यू इट इज अ वेक्टर बट विद मैग्नीट्यूड 1. मैंने लिख दिया ए बार, करेक्ट? तो डायरेक्शन इज टेकन केयर ऑफ, क्योंकि ए बार लिखा मतलब ए कैप का डायरेक्शन और ए बार का डायरेक्शन सेम है. अगर मैं नेगेटिव लिखता तो अपोजिट हो जाता, राइट? करेक्ट. लेकिन ए बार का मैग्नीट्यूड 15 था, तो मुझे 15 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मेक मैग्नीट्यूड एस 1. तो हम लोग इसको करेंगे, जस्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, दिस गिव्स यू यूनिट वेक्टर. एंड यू ऑलरेडी नो एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप, एंड जेड के डायरेक्शन में के कैप. सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि वाई डोंट वी यूज x cap, y cap and j cap. Suppose ये x axis है, ये y axis है या z axis है, whatever it is. This is one axis. So I can give say x, y and z. Doesn't matter. मुझे बताना है the particle has traveled x distance along x axis. है ना? x distance मतलब पार्टिकल आपका यहां तक आ गया along x axis. तो what we do is x x cap normally, correct? पर confusion होता है बहुत बार, that is why we just replace this by, that is the only reason, बाकी कोई reason नहीं है. Good. तो then next thing that is important is addition of vectors. हम दो वेक्टर को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अंडर टू डिफरेंट लॉस. एक्चुअली देयर इज ओनली वन लॉ, सिर्फ ट्राइंगल लॉ ही है, पैरेललोग्राम लॉ इज नथिंग, डजंट एग्जिस्ट बेसिकली. डू यू रिमेंबर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ओके, वो तो हम कोसाइन रूल भी बोल सकते हैं, दैट इज करेक्ट. बट इन जनरल व्हाट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल? तो ये वही चीज है जो मैंने पहले आपको बताया. ये पहला वेक्टर यहाँ खत्म हुआ, दूसरा वेक्टर जहां पे पहला खत्म हुआ है वहां से स्टार्ट होना चाहिए, राइट? तो रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट एंड एंड्स एट द हेड ऑफ सेकंड. इसी को बुक्स में क्या बोलते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट ट्राइंगल, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle starting from the head of, sorry, tail of first vector and ending at the head of second vector. Matlab, if you want to talk about what is the main point is this. Yahan pe pehla vector khatam hua, वहीं से दूसरा वेक्टर चालू होना चाहिए, तब आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर सकते हो. ओके, देन डेफिनेटली आर बार इज पी बार प्लस
क्यू बार। ओके तो आर बार का कुछ रिजल्टेंट है, मतलब कुछ मैग्नीट्यूड है, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर उसका कुछ मैग्नीट्यूड है एंड इट हैज गॉट सम डायरेक्शन। अगर आपने आपके बुक्स को अच्छे से पढ़ा है तो नो वन टॉक्स अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन ट्राइंगल लॉ। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अंडर द हेडिंग ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। What is parallelogram law of vector addition? Combination of two vectors starting at a starting from the same point and representing two parallel triangles. Okay. Good. It tells you that if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides, matlab they should start from the same point of a parallelogram, in fact incomplete parallelogram, to isko complete karna hamara responsibility hai. Fir ab agar ye incomplete hai to we have to complete this, to hum isko extend karte hain, isko extend karte hain to ye ho gaya aapka parallelogram complete. Then the resultant is basically the diagonal of this parallelogram starting from the common point. Jahan se do vector start hua wahi se ye start hua. How it is different than triangle law? Nothing. Kyun? What is a vector? Isliye maine start hi wahan se kiya tha. It has got magnitude एंड डायरेक्शन। वेक्टर चेंज कब होगा? जब या तो मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर दूं। अगर मैंने इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिया होता, डिड आई चेंज एनीथिंग? सो यू कैन मूव अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। इसका भी यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओके करेक्ट। सो देयर इज नो डिफरेंस इन parallelogram law and triangle law. Koi difference hai hi nahi, they are same and we are not going to derive anything here. Humko derive nahi karna, time bhi nahi utna hamare paas. Sirf aapko ye pata hona chahiye that magnitude nikalne ke liye aap ye jo vector tha hamare paas p bar aur ye q bar, p bar ko extend kar liya रिजल्टेंट वेक्टर के टिप से, मतलब हेड से पी बार पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा। एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब पी बार, इज अल्फा और ये बीटा है। वी डोंट टॉक अबाउट बीटा नॉर्मली, डजंट मैटर रियली, करेक्ट। आर बार रिजल्टेंट इज गिवन as under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. हमने बहुत कुछ सॉल्व किया, उसके बाद ये आया, जरूरत नहीं थी, क्यों जरूरत नहीं थी? दिस इज नथिंग बट कोसाइन रूल और ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। गुड। देन डायरेक्शन, हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बार? टैन ऑफ अल्फा, थीटा इज एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स, अल्फा इज एंगल ऑफ गिवन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। टैन ही क्यों लेते हैं? व्हाई डोंट वी टेक साइन और कॉस? एग्जैक्टली मतलब अगर मेरे पास ऐसा वेक्टर है, ये हो गया आर एक्स आर वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, ये हो गया आर एक्स, ये एंगल है लेट अस से थीटा, ये है आर। तो इफ आई टेक टैन थीटा दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब टैन रिप्रेजेंट्स वाई एंड एक्स कंपोनेंट इक्वली। अगर आप साइन थीटा लेते
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, y कंपोनेंट है पर x नहीं है। दूसरा, हमको नॉर्मली रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता ही नहीं होता, तो हाउ डू आई फाइंड आउट थीटा इफ आई डोंट नो r? तो दैट इज द रीजन दैट यू टेक tan ऑलवेज। चलो ठीक है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला याद है कि आपको मतलब क्या आता है इस केस में? आर यू श्योर p sin थीटा या फिर q sin थीटा? q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, दिस ऑल वी विल नीड। और नीट में आया है, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, द एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, राइट? तो आगे कुछ पूछा था उसमें, तो नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो वी नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। यहां तक क्लियर? गुड। तो जो लेट आए थे आज, आई टोल्ड देम अर्ली कि आज हमारे शेड्यूल में वी विल बी डूइंग लिटिल बिट ऑफ थ्योरी, एंड कल हमारे शेड्यूल में वी विल डू लिटिल बिट ऑफ थ्योरी एंड मोर न्यूमेरिकल्स व्हिच वेयर आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स। तो हमको पहले बेसिक्स लगेगा एंड देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स। गुड। देन अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, बाय द वे सब्ट्रैक्शन रह गया। इफ आर बार इज पी बार माइनस क्यू बार, व्हाट इज मॉड ऑफ आर बार? माइनस टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर मेरे पास तीन वेक्टर है, ए बार बी बार सी बार, इफ आई एम राइटिंग सी बार एज ए बार प्लस बी बार, मतलब आई एम ट्रीटिंग सी बार एज अ रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार। चलो इसको हम लोग ट्राइंगल से बता देते हैं, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लेट अस से दिस इज सी। ए का अपोजिट एंगल ए, सी का अपोजिट सी, और बी का अपोजिट एंगल बी। इफ आई एम राइटिंग सी बार एज ए बार प्लस बी बार, तो मॉड ऑफ सी विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ सी। इफ आई एम ट्रीटिंग बी बार एज एडिशन ऑफ ए एंड सी, तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी कॉस ऑफ सी। ठीक है, तो यू ऑलरेडी नो दिस। गुड, देन लेट्स मूव टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। You have learned two types of multiplication of vectors, scalar or dot product, and other is cross product. What is the definition of A bar dot B bar? Definition. डायरेक्शन दिया होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। ओके, लेट मी गो वन स्टेप बिहाइंड, जब तक आप सोचो ये। सो वी डोंट नीड दिस, वी नीड दिस स्पेस ओवर हियर। Okay. Have you heard of something called as resolution of vectors? फिर मैं बाद में जाऊंगा dot and cross product पे। What do you mean by resolving a vector? Components निकालना। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक हम लोग दो वेक्टर को कंबाइन करके सिंगल बना रहे थे। अभी उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। अब ऐसा है कि हमारे पास एक वेक्टर ऑलरेडी है,
अब इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं हमको। कंपोनेंट्स मतलब क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जहां वेक्टर स्टार्ट होता है वहां पे एक्स और वाई एक्सिस हम लोग एसोसिएट कर देंगे। राइट, देन वी विल ड्रॉप परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द टिप ऑफ दिस वेक्टर ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। देन वी विल से ये जो वेक्टर का कंपोनेंट आएगा दिस विल बी कॉल्ड एज y कंपोनेंट आर वाई, और ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी आर एक्स कंपोनेंट। तो आर बार के दो कंपोनेंट है, सिर्फ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ये है कि जब हमने दो वेक्टर को ऐड किया था तो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड कि दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर है, ऐसे कंपोनेंट्स को क्या बोलते हो आप, देयर सम नेम टू दिस कंपोनेंट्स इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, नीड टू रिमेंबर एवरी वर्ड हियर, क्योंकि अगर उन्होंने बोला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इमीडिएटली समझना चाहिए था कि दे आर 90 डिग्री। अगर यही नहीं पता ना तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो ये बताना चाहिए। तो आई कैन राइट आर बार एस आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, और आई कैन राइट आर बार एस आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, एंड आई कैन राइट मॉड ऑफ आर एस अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। यू कैन हैव थर्ड कंपोनेंट तो आर जेड भी आ जाएगा। राइट, देन सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस आई वुड वांट टू नो इफ यू नो व्हाट इज लामीज़ थ्योरम। Have you heard of this word Lami's theorem? What is Lami's theorem? Okay. So, if we have, कोई बात नहीं, if you don't know, doesn't matter really. I mean, we'll do it. But you need to be frank. अगर कुछ नहीं आता है तो you have to ask. नहीं तो I will be under impression कि you know this. सबसे पहले you need to have three vectors starting from one common point. ऐसे तीन vector है हमारे पास, मान लो these are not axes, okay? These are some three vectors. So by the way, ये if the vector start from the same point, उसको आप क्या बोलते हो? नहीं, collinear is along same line, concurrent vectors. तो हमारे पास अगर तीन vector है, ये एक vector है p bar, ये q bar, ये r bar, p को opposite angle p, q को opposite angle q, and this is basically let us say R. What is Lami's theorem? Good. P by sine P, right? So the ratio of magnitude of each vector divided by sine of that vector, Q by sine Q, and R by sine R. This is equal. This is Lami's theorem. Vector ka magnitude divided by sine of opposite angle to the vector. Right? Tino ka. They are equal. Wo hota hai direction cosines. Lami's theorem mein sine hota hai. Next is that direction cosines. Right? Clear? Iska bhi question aaya hai. इसमें भी क्वेश्चन आया है, p बार का मैग्नीट्यूड पूछा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो इस पर भी क्वेश्चन आया है, तो यू शुड नो दिस। आज कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाने, ये सब आपको पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा देन यू विल हैव टू डू हियर।
What are direction cosines now? Let me first draw three dimensions, because direction cosines, they normally talk about vector in three dimension. तो हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज इन थ्री डायमेंशंस. ये एक्स एक्सिस, लेट अस से वाई एंड लेट अस से जेड. दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, राइट. अगर ये वेक्टर a बार है, देन डज एनीवन ऑफ यू रिमेंबर व्हाट वाज डायरेक्शन कोसाइन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन्स. तो कॉस ऑफ अल्फा इज a अपॉन ax, करेक्ट है या ax अपॉन a था? ax अपॉन a, ax अपॉन a इज कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन. cos beta ay, cos gamma az by a. तो दीज आर थ्री डायरेक्शन कोसाइन्स. डायरेक्शन कोसाइन मतलब it gives you direction of a vector with respect to x axis, y axis and direction. Simple example, ye three dimension hai, x, y and z. My hand is like this, this is a vector. Abhi isne kuch angle banaya hai, iska kuch x component hoga. X component by magnitude of a will give me direction with respect to x axis. Similarly, y component by a will give me direction of the same vector with respect to y axis, and similarly z axis. These are called as direction cosines. Okay, then ab hum log baat kar sakte hain product of ya fir multiplication of vectors. Multiplication of vectors, तो पहला हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट, ए बार डॉट बी बार, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट डॉट से करते हैं. क्यों करते हैं? सिंपल लॉजिक है. मेरे पास दो वेक्टर थे, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया. एक बार मुझे सिर्फ एक नंबर मिला मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, राइट, इसलिए मैं इसको बोलता हूं स्केलर. दूसरी बार मैंने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, मुझे एक वैल्यू मिली, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन मिला, इसको मैं बोलता हूं वेक्टर प्रोडक्ट. हाँ, लेकिन दोनों तो प्रोडक्ट ही है ना, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ, यहाँ पे मैं क्रॉस लगाता हूँ. एक को बोल देंगे डॉट प्रोडक्ट, उसको बोल देंगे क्रॉस प्रोडक्ट. दोनों प्रोडक्ट ही है जस्ट, तो बहुत ईजी है बाय डेफिनेशन. A bar dot B bar is equal to AB cos of theta, where theta is angle between A bar and B bar. Good. Properties important. A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar. What is this property called? Commutative. Matlab, it doesn't matter kon pehla aaya, kon dusra aaya, they can commute. They can interchange their positions. A bar dot B bar plus C bar is equal to A bar dot B bar plus A bar dot C bar. डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ए बार बी बार और सी बार पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है,
what was this property? ये भी बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. एसोसिएटिव, इट टेल्स यू, डजंट मैटर कि आप बी बार और सी बार को ऐड करके उसका रिजल्टेंट और ए बार को ऐड कर रहे हो या ए और बी के रिजल्टेंट को सी में ऐड कर रहे हो. एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज ऑलवेज गुड टू हैव एग्जाम्पल्स. सो यू कैन टेक एनी थ्री वेक्टर्स. I'll take A bar, then B bar, then C bar. A bar, B bar and C bar. अगर मैं B bar और C bar को पहले add कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा triangle law के according ये vector. This red vector is nothing but B plus C. अब मैं A bar में B bar plus C bar add कर रहा हूँ तो I will get another vector, let us say this particular vector. So this is finally resultant. Otherwise, what I could have done is, मैं अगर a bar और b bar को पहले add करता तो मुझे ये एक vector मिलता. This vector is a bar plus b bar. अब a b bar में मैं अगर c bar add करता हूँ तो वापस resultant तो वही मिलता है. This is what it tells you. Then how do you write down a bar dot b bar in terms of components? I'm not saying in terms of a b cos theta, in terms of components of a and b. If a bar is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b bar is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. A bar dot b bar kya aayega in terms of component? क्या करोगे आप? ए एक्स आई कैप, राइट? तो फाइनली क्या आएगा? आई टेल यू फाइनली क्या आएगा. फाइनली आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ऐसा क्यों आता है? क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सी द थिंग इज, इफ आई टेक डॉट प्रोडक्ट तो आई विल टेक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप plus az k cap dotted with bx I cap plus by j cap plus bz k cap. तो total 3 into 3 9 terms मिलने चाहिए ना. तीन ही क्यों लिखे हमने, बाकी के zero. क्यों zero होंगे? When you will do I cap dot j cap, it is I into j into cos theta, but ij तो 1 1 है वैसे भी. cos of 90 क्यों? हाँ, क्योंकि I मतलब x axis और j मतलब y axis, angle is 90. तो in general, by definition of dot product, I dot j, j dot k, k dot I, or other way round, j dot I, k dot j, and I dot k. These are all equal to zero. तो आखिरी में बचेगा सिर्फ आई आई जे जे, और इसलिए मैंने नीचे लिखा, एग्जैक्टली नीचे लिखा, ये याद रहता है बाद में. एग्जैक्टली नीचे लिखा मतलब डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और एडिशन. इवन द वे ऑफ राइटिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू मिनिमाइज मिस्टेक्स, राइट? तो ये चीजें याद रखनी है. आई एम गोइंग टू टेल यू आल्सो हाउ टू रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट विदाउट डूइंग मच मैथमेटिक्स. गुड, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट यू शुड नो इज व्हाट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट
of A bar on B bar. याद है कैसे कुछ सीखा था? नहीं इसलिए मैंने बहुत है, यू हैव टू बी लाइक बेसिक से लूंगा मैं, काम में आएगा ये, डोंट वरी, है हमारे पास टाइम. व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार? या अल्टीमेटली माय एम इज दैट यू ऑल बिकम गुड डॉक्टर्स. आई एम सेल्फिश. तुम डॉक्टर बनोगे तो मेरा फीमेल आ जाएगा. बताओ क्या करोगे? ए बार बी बार. व्हाट इज प्रोजेक्शन? मूवी देखा है कभी? अभी नहीं, रिसेंटली नहीं, फ्यू इयर्स बैक. स्क्रीन के अपोजिट साइड में अभी भी है शायद सम थिएटर. व्हाट डज दैट मीन? प्रोजेक्शन वो एनलार्ज करते हैं, बट प्रोजेक्शन का जनरल मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इफ अभी इसका इसका प्रोजेक्शन नीचे आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन भी नीचे आ रहा है. यू कैन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? शैडो बेसिकली. या फिर इन वेक्टर्स हम लोग बोलते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइट लगा दिया तो बी बार का शैडो बनेगा ए बार पे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. एंड टू डू दैट पहले आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फ्रॉम द टिप ऑफ बी ऑन टू ए, एंड देन यू विल से दैट this much is projection of b bar on a bar, right? This much matlab I will just shadow it over here. Let us say this angle is theta. Aur isko bolte hain component of a bar, component of b bar along a bar. Acche se sun lo kyunki ye ek trick hai yaad rakhne ka. Let me say this is x. Ye jo shadow hai ये x है, हम we are interested in finding x. क्या करेंगे? हमको पता है if I take cos theta, what is cos theta? Adjacent side upon, adjacent मतलब x, hypotenuse मतलब b, right? तो x is equal to b cos theta आ गया. But wait a minute, have we done something like this? ये तो definition ही है. तो ये क्या हो गया फिर? दिस इज एक्स, मतलब दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी बार. हाँ, तो इसलिए मैंने यहां पे चेंज करना चाहिए. करेक्ट, मतलब बी कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए. प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ बी बार अलॉन्ग ए बार. अभी एक ट्रिक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. पहले क्या बोला मैंने? बी बार. बाद में क्या बोला? हाँ, तो ए शुड गो इन डिनोमिनेटर, राइट? प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. अगर मैं उल्टा बोलता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार बोलता हूं, तो वो आएगा ए कॉस. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये फर्क नहीं पड़ता. इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है ए बार डॉट बी बार अपॉन बी. हाँ, तो वी डोंट हैव टू डू एवरीथिंग लाइक शेडो देखो फिर कंपोनेंट निकालो. सो दिस बिकम्स प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, राइट? ओके, डू यू हैव एनी डाउट्स अब तक जो कुछ भी मैंने बताया है? एनी डाउट्स, एनीथिंग? नहीं? गुड. सो टुडे इट्स 11:45. आज का दिन मैं जल्दी रोकूंगा क्योंकि पहला दिन है आपका. आई डोंट वांट